लोकल ऑसिलेटर, लोकल ऑसिलेटर इस पे हम सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन ही देखते हैं। जो हमारा लोकल ऑसिलेटर है इसका सर्किट कुछ इस तरह का होता है। इसमें यहाँ पे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को इनपुट करवाते हैं। जब हमारा कोई आरएफ ट्यून्ड कैपेसिटर आरएफ ट्रिमर कैपेसिटर के साथ कंबाइन होता है, शंट कैपेसिटर यानी आरएफ ट्यून्ड कैपेसिटर, ये है हमारा आरएफ ट्रिमर कैपेसिटर, ये शंट में एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, इसे गैंग बोलते हैं। और इसमें दो गैंग का यूज़ किया जाता है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और यहाँ पे एक हमने फैट का यूज़ किया है Q1 ट्रांजिस्टर, और ये NPN ट्रांजिस्टर जो Q2 ट्रांजिस्टर है, R1 R2 और CB हमारे बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, और जो R ये जो इस कपलिंग कैपेसिटर है CC ये हमारा कपलिंग करता है दोनों ट्रांजिस्टर्स के सिग्नल्स के बीच में। ये दोनों हमारे ट्यून्ड सर्किट हैं जो कि हमारी फ्रिक्वेंसी को ट्यून्ड करते हैं। ये IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्यून्ड सर्किट, यहाँ से हम IF आउटपुट यानी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को आउटपुट ले लेते हैं। और जो ये हमारे RCB ये जो हमारा CB कैपेसिटर है, ये हमारा सिग्नल डीकपलिंग नेटवर्क का काम करता है। ये तो है हमारा लोकल ऑसिलेटर की कंस्ट्रक्शन। ये हमारे मिक्सर हैं जो हमारे सिग्नल को मिक्स करते हैं, ये हमारे बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, ये भी हमारे बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे गैंग कैपेसिटर हैं जो कि हमारे RF ट्यून कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर से मिलके बने हुए हैं। अगर ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन थी कि लोकल कनेक्शन जो हमारे कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरह से होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा लोकल ऑसिलेटर है वो वर्क क्या करता है, उसका काम क्या होता है। सबसे पहले ऑसिलेटर सिंपल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जो कॉमन लोकल ऑसिलेटर होते हैं, जो कॉमन ऑसिलेटर्स होते हैं, वो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के लिए यूज़ किए जाते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग रिसीवर्स पे, इसमें हम आर्मस्ट्रॉन्ग, हार्टले, कॉलपिट्स, क्लैंप ऑसिलेटर इनका यूज़ करते हैं जो कि हाई रिसीवर सिस्टम पे वर्क करते हैं। जो हमारे लोकल ऑसिलेटर होते हैं LC ऑसिलेटर, वो उनका यूज़ जो हम हमारा सिंगल ट्यून्ड सर्किट्स है और उन सिंगल ट्यून सर्किट्स का यूज़ किया जाता है जो डिटरमाइन करते हैं हमारे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को। और जो हमारे कॉलपिट्स और क्लैंप ऑसिलेटर्स होते हैं वो उनका यूज़ होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिसीवर सिस्टम में। ये हमारा ऐसे ही एक लोकल ऑसिलेटर है जो कि ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है और उनकी फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन करने का काम करता है। ये हमारा एक टिपिकल लोकल ऑसिलेटर है। जो हमारा लोकल ऑसिलेटर होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर की, यानी कि रिसीवर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है इनकमिंग फ्रिक्वेंसी से, जो कि यानी कि जो आउटपुट पे जो हमारी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है वो 455 किलो हर्ट्ज़ होगी और वो हमेशा हाई होगी हमारे इनपुट फ्रिक्वेंसी है। और अगर इन केस हमारे जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है वो कम हो, स्मॉलर हो, कम होती है हमारे इनपुट फ्रिक्वेंसी से, उस केस में हमारा जो लोकल ऑसिलेटर है वो अपनी फ्रिक्वेंसी को अपने आप वेरी करता है जो कि 85 किलो हर्ट्ज़ से 1195 किलो हर्ट्ज़ तक होती है, जो मैक्सिमम टू मिनिमम रेशो देता है 14:1 की। और ये रेशो अचीव नहीं कर सकते हम नॉर्मल ट्यून कैपेसिटेंस से। जो कैपेसिटेंस होता है हमारे जो नॉर्मल ट्यून कैपेसिटर्स का वो वेरी, उनकी जो रेशो होती है वो वेरी करती है मैक्सिमम कैपेसिटेंस टू मिनिमम कैपेसिटेंस, जो कि इक्वल होती है 10:1 और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रेशो 3.1:1 के। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है वो लो होती है सिग्नल फ्रिक्वेंसी के बाय द अमाउंट ऑफ 455 किलो हर्ट्ज़, यानी कि जो हमें आउटपुट पे 455 किलो हर्ट्ज़ चाहिए होती हैं वो चाहिए होते हैं उससे कम होती हैं। और जो नॉर्मल ट्यून्ड कैपेसिटर्स है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे केस में अगर हम देखें जो हमारा लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है, हम ये कहते हैं कि वो ज़्यादा होती है हमारी इनकमिंग फ्रिक्वेंसी से,
बाय द अमाउंट ऑफ 455 किलो हर्ट्ज़, क्योंकि हमें आउटपुट पे 455 किलो हर्ट्ज़ चाहिए है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, और ये हमेशा ज़्यादा ही रहती है। अगर कम होती है तो हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया है। इसकी जो वेरिएशन होती है जो कैपेसिटेंस की, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंड की वो होती है 995 किलो हर्ट्ज़ से 2105 किलो हर्ट्ज़ तक, जो कि रेशो होती है 2:1:1 की। ये रेशो जो होती है उसको हम अचीव कर सकते हैं नॉर्मल ट्यून कैपेसिटर से, ड्यू टू द रीज़न, इस वजह से हम इसमें सुपर हेटरोडाइन रिसीवर का यूज़ करते हैं कॉमन ब्रॉडकास्टिंग के लिए और लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसीज में। जो हमारे ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसीज में हम सुपर हेटरोडाइन रिसीवर का यूज़ करते हैं, जिसमें हायर फ्रीक्वेंसी होती है हाई इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जो हायर होती है हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, और अमाउंट जिसका जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है हमारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से, जो कि 455 किलो हर्ट्ज़ है, जो कि हमें आउटपुट पे चाहिए है। यानी कि जो लोकल ऑसिलेटर स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट की ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकी जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट की, वो हाई ही होती है, आउटपुट पे हाई हो आती है हमारे इनपुट के कंपैरिजन में। यह है हमारा लोकल ऑसिलेटर। थैंक यू।